वेलकम बैक जनाब, कल्चर रिलेटेड डिस्कशन भी कर लेते हैं हम। ओवरऑल पाकिस्तान के अपने कल्चर के हवाले से बात करें तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट बातें हैं जो वक्त के साथ साथ बदल रही हैं, तेज़ी आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, लेकिन कल्चर किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या किस तरफ जा रहे हैं, क्या ओवरऑल इसकी वैल्यूज़ हैं, क्या इसको डिस्कशन हम करेंगे, ये आज हेल्दी सी डिस्कशन होगी और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मारवी खान। वेलकम टू द शो मारवी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मारवी। हम पाकिस्तान के कल्चर की बात करें, ओवरऑल कल्चर की बात करें तो थोड़ी चीज़ें टाइम के साथ साथ बदल रही हैं, बल्कि काफ़ी बदल रही हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? वेल अर्मिला, कल्चर का लफ्ज़ जो है वो एक अंग्रेज़ी तर्जुमा है सकाफत का, जिसको हम कहते हैं, और बिल्कुल भी एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं है एज़ बहुत सारे लफ्ज़ों के जो कल्चर का वर्ड हमने यूज़ कर लिया अंग्रेज़ी में से, क्योंकि कल्चर इट्सेल्फ एक फ्रेंच और लैटिन वर्ड है जो कि पनपने से और ग्रो करने से निकाला गया है। बट जब हम बात करते हैं सकाफत की, तो सकाफत बेसिकली हमारी जो माशरती एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत सारे, जो कि एक इंसान के पर्सनल किरदार और सोच पर असरअंदाज होते हैं। अगर मैं एक बहुत ब्रीफ, क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है सकाफत का, ब्रीफ उसको करूँ तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फ़नून लतीफ़ा, हमारा अदब, हमारा ड्रामा, हमारी आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी मौसीकी, हमारी शायरी, हमारा लिखना, ये सारी वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में एक इंसान के पर्सनल किरदार पर असरअंदाज होते हैं। तो सकाफत उन एलिमेंट्स को कहा जाता है, उन पूरे एक इन्वायरमेंट को कहा जाता है, उन सोच को कहा जाता है, उन अफकार को कहा जाता है जो इन सारी चीज़ों से एक इंसान तक डाइल्यूट हो जाते हैं, एक इंसान तक सैचुरेट हो जाते हैं। येस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। जैसे अभी हम कल्चर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए हुआ है कि एक ग्लोबलाइजेशन जो ट्रेंड है पूरी दुनिया में चला है, जो एक, क्योंकि हम एक कॉमन जबान अंग्रेजी जिसको हम इंग्लिश कहते हैं उसके ऊपर आके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मोस्टली आपके पास अब इंग्लिश में अवेलेबल है, सो जब हम एक जबान का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली वो जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो भी डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। सो जो अभी इस वक्त अगर हम जब कहते हैं कि जी ज़माना बदल गया है या हमारी सकाफत तब्दील हो रही है, वो तब्दील नहीं हो रही, उसमें एलिमेंट्स कुछ और भी शामिल होते जा रहे हैं क्योंकि हम एक ग्लोबल कल्चर की तरफ चल रहे हैं। अब इस पॉइंट पे आके जो गौर व फिक्र करने वाली बात है, या जिसके लिए आज ये प्रोग्राम भी हमने सेट किया है, वो यही है कि अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करें। परफेक्टली ओके कि अगर कोई और कल्चर हमारे अंदर या कोई और एलिमेंट, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कैसे करें, उसके लिए बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो नो हाउ होना बहुत जरूरी है कि हमारा कल्चर बेसिकली है क्या, क्योंकि इतने ज्यादा इंडक्ट हो चुके हैं कि अब अपने कल्चर को लेकर। एग्जैक्टली, हमारा एक जो कॉमन मसला है अर्मिला वो ये है, और पूरी दुनिया में ये बल्कि उल्टा है कि लोग अपने कल्चर्स को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, जो उनके यहाँ राइज जो चीज़ें हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो उनके ट्रेंड्स हैं, जो उनका आर्ट है, उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। हम उसको यहाँ पे एंटीक की नज़र से देखा जाता है और उसको बस उधर तक ही रखा जाता है, और उसको कभी कभार त्योहारों के तौर पे सिर्फ मनाने पे हम यकीन रखते हैं, हम उसको ओन नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। अच्छा, हमारे कल्चर में एक जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि बहुत रिच है अर्मिला, बहुत रिच है। हम क्योंकि अगैन जिस तरह हमारी इंडो पाक की हिस्ट्री चलती आ रही है, हम एक और नेशन के साथ, एक तो पहले ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत ज़्यादा रहे, हमारा जो इस वक्त भी जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वहाँ उससे, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शायद सिर्फ वहीं से आई हुई हैं। उसके बाद फिर हम एक और नेशन के साथ बहुत लंबा पीरियड हमारा उनके साथ गुजरा, और वो एक नेशन नहीं थी, उसमें मल्टीपल हिंदूज भी थे, सिख्स भी थे, गुजराती कल्चर भी था, वो सारा एक उसमें मर्ज। अब हमारे पास एक बहुत रिच हेरिटेज आया, जो मज़े की बात यह है कि समझ नहीं आता मोस्टली लोगों को, क्योंकि बहुत डीप है। अच्छा, तो वो जब समझ नहीं आता तो फिर जब जो चीज़ हमें समझ नहीं आती उसको हम ओन नहीं करते। तो यहाँ पे आके एक 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 पॉइंट जहाँ पे जो जिसकी वजह से हम अपने कल्चर को ओन नहीं कर पा रहे मोस्टली, वो बहुत रिच है, वो उसकी गहराई चीज़ गहराई जाने की जरूरत है। मार भी समटाइम्स हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दूसरे कल्चर से इंडक्ट हुई है, लेकिन ये भी हमें अवेयरनेस नहीं है कि ये शायद हमारे कल्चर का हिस्सा है या नहीं है, और हम कंफ्यूज ही रहते हैं ज़्यादातर। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ऑब्वियस है और हमें पता भी है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, कल्चर्स में भी चेंजेस आ रही हैं, और अब कुछ मॉडर्निज्म के नाम पर भी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप किस साइड पर जा रहे हैं? अच्छा, मैं फिर वही वाली बात करने लगी हूँ कि मॉडर्निज्म के नाम पे या बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप और ग्लोबलाइजेशन, कुछ चीजें जरूर कल्चर में शामिल हुई हैं, ठीक है, वो तो और वो टाइम की जरूरत भी है, वक्त का तकाजा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि हमने अपने कल्चर को भी साथ लेके चलना है।
पता है अर्मिला, कल्चर जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी, मैं कह रही हूँ ड्रामा, हमारी जो मैंने भी चीजें आपको नोट करवाई है, ये कल्चर नहीं है। आपका कल्चर डायरेक्ट आपकी सोच और आपके किरदार पर असरअंदाज होता है। सो मसला ही, अगर आप तो फिर वो एक बड़ा कॉमन सा और एक फेमस सा जुमला है, अगर तो आप ये चाहते हैं कि वही हो जो हो रहा है तो फिर आप आप कुछ मत करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलती हो रही है, इंडिविजुअल सोचों में, इनफरादी सोच में, इनफरादी अफकार में कोई कहीं गड़बड़ आ रही है जिसकी वजह से हमारे वैल्यूज शायद डाउन हो रहे हैं या हमारे मॉरल्स भी डाउन हो रहे हैं, तो वहां पर बैठ के फिर सोचने की जरूरत है कि इसका मतलब है कि ओवर अच्छा कल्चर एक दिन में नहीं बन जाता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई अपने अंदर एक इनफरादी तब्दीली ले आई है तो वो कल्चर बन जाएगा, वो कल्चर नहीं बनेगा। मैं एक इनफरादी, हाँ शुरुआत जरूर एक कतरे की तरह होगी, लेकिन किसी चीज को अपना कल्चर बना लेना इज लाइक कि कंप्लीट मुतलका जो आपकी सोसाइटी है उसमें वो पेनिट्रेट करे, वो एक खास तब्दीली, वो एक खास चीज उसमें पेनिट्रेट करे। अच्छा, अब एक एक चीज यहाँ पे आ जाती है कि हम कल्चर के थ्रू हम दुनिया में भी रिकग्नाइज होते हैं अर्मिला। सिर्फ एक इनफरादी अफकार जो है, जो इनफरादी आपकी सोच है, वो तो उस पर असर अंदाज होता है। हम दुनिया में पहचाने जाते हैं, हम पूरी दुनिया में पहचाने जाएंगे कि पाकिस्तानी खास तौर पे इस किस्म के लोग होते हैं, या उनका एक सिंधी कल्चर है, या बलोची का। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मल्टीपल बहुत सारे ऐसे कल्चर है जिनको मिला के एक रिच हेरिटेज हमें मिला है, एक लोक विरसा हमें मिला है। सो मसला ये है कि आप दूसरे के कल्चर को बेशक आप पेनिट्रेट, जो वक्त के तकाजे हैं उनको आप बेशक पूरा कीजिए। सबसे पहली चीज है कि अपनी अपने कल्चर को प्रायोरिटाइज करें, उसको ऊपर रखें। दूसरे अगर आ भी गए, अर्मिला सबसे पहले तो ओन करें, पहले जाने आपका कल्चर है क्या, सबसे पहले तो चीज को आप जाने, क्योंकि हमारे मोस्टली अच्छा कल भी जब मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं शो पे कल्चर के बारे में बात हो रही, तो अम्मा का एक बड़ा अच्छा सा जुमला था, आजकल के बच्चों को तो कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो मैंने उसके ऊपर मेरा यही था कि मैंने कहा हाँ मामा, वो बच्चे जो है ना वो उन्होंने पैदा होते साथ ही ये कहा था कि चलो हम पाकिस्तान की सैर करके आए और हमें कल्चर मिल जाए। ऐसा नहीं होता अर्मिला, बच्चों को कल्चर से मुतारिफ कराने के लिए पहले आपको कल्चर खुद आपको पता होना चाहिए क्या है, आप उसको ओन करें, उसके बाद आप अपनी आने वाली नस्ल में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कल्चर की बात करें, वर्ड यूज करें, कल्चर कल्चर सकाफत है क्या अभी हम जो पॉइंट्स वो तो हाँ। अभी आपने सारे एक्सप्लेन किया, अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल कल्चर की बात करें, मेजर पॉइंट्स जो हमें लगता है कि ये हमारा कल्चर है अर्मिला, क्योंकि जो कल्चर होता है मैंने आपको पहले भी बताया, वो आपके जिस तरह वो आपकी अफकार के ऊपर असरअंदाज होता है, इसी तरह आपकी जो हम लोग जैसे जो मज़हब फॉलो करते हैं, हम जिस खित्ते में रहते हैं, जो मौशरा है, जो इन्वायरमेंट होती है, जो मौसम हमारे तब्दीली मौसमी तब्दीली हमारे पास होती है, हमारा जो खित्ते में एक एक हिस्सा बनता है कि हम इनके नेबर्स बनते हैं, हम उनके नेबर्स बनते हैं, वो जोग्राफियाई जो आपकी एक हदूद होती है उस वो लेकर, उसके बाद आपकी जो आपके इस वक्त नेशन है, जो कौम है, वो पीछे से उनका बैकग्राउंड कहाँ चला रहा है, उनकी पीछे से जिद्दोजहद क्या थी, वो किन लोगों के साथ रह रहे थे, ये सारे एलिमेंट्स बना के और मेरा कल्चर सकाफत बनाते हैं आपकी आपकी। अब क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मेजरली यहाँ पे जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, सो मज़हब हमारे कल्चर पर डायरेक्टली असरअंदाज होता है। ठीक है, अब हमारा एक जो दो एक हम कश्ती के सवार ज़्यादा बन गए, मैंने आपको पहले भी कहा रिच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीछे से जो हमारा कल्चर चलता हुआ आ रहा है वो कम्प्लीटली हमारा मसला यहाँ पे जब कल्चर और सकाफत की हम बात करते हैं तो हम बेसिकली और पाकिस्तान के कल्चर की बात करते हैं तो पहली सोच तमाम में आती है अच्छा मुस्लिम कल्चर टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए, राइट, मुस्लिम सकाफत टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए, जो एग्जैक्टली नहीं पाई जाती। वो इसीलिए कि पीछे से हम बहुत एक एक बाउंड कल्चर में रहते आ रहे हैं, कंपाउंड सकाफत में रहते हुए आ रहे हैं, सो वो जो चीज़ें बहुत पेनिट्रेट कर चुकी हैं उनसे हम अलग नहीं हुए, हम खुद मुख्तार हो गए, हम आज़ाद नहीं हो सके, क्योंकि वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, वो हमें गलत लगती नहीं, वो हमें हमारी लगती है एक्चुअल में, इसलिए हम उनको ये सकाफत है। अब वही बात कि त्योहारों की हद तक रह गया है एक चीज़, हम जो सेलिब्रेशंस हैं उसको ही समझते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा है लेकिन निगलेक्ट करते हैं। अगैन वही वाली बात है अर्मिला कि त्योहार तो हम मना ही लेते हैं, हमने एक्चुअल में ओवरऑल ही अपने जो तमाम हमारी जो सोच है उसको त्योहारों की हद तक महदूद कर लिया है। एक दिन हम आज़ादी मना लेते हैं, एक दिन हम कोई अब जैसे कुर्बानी है उसका एलिमेंट हम एक दिन में फिक्स कर लेते हैं, या जैसे कोई इबादत हैं, इवन हज है, इवन रोज़े हैं, उनकी स्पिरिट को हम एक दिन में महदूद कर लेते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें खैर कल्चर का हिस्सा नहीं आ रही, लेकिन मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ, हमारा कल्चर जर्नल हमारा सकाफत ये बन गई है कि हम इन चीज़ों को एक दिन में फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप कल्चर प्रिजर्व नहीं कर सकते, आपको अपना कल्चर प्रिजर्व करने के बहुत सारे ममालिक में बाय द वे जो उनका पुराना हेरिटेज है, जो उनका पुराना कल्चर है, जैसे अगर कोई जंगलात भी हैं, जैसे अगर कोई
पुरानी जैसे स्टोन केव्स भी जगह है वो उनको प्रिजर्व करने के लिए खास आबादी वहां पे आबाद की जाती है अरमिला, और बाकायदा बिकॉज क्योंकि वो उन कल्चर के प्रिजर्वेशन में लगे होते हैं तो उनको पैसे दे के वहां पे आबाद रखा जाता है और उस पूरी जगह को एक एक जगह के तौर पे और उस पूरे कल्चर को और अपनी सकाफत को एक सिक्योर करने के लिए वो बाकायदा उन आबादियों को पैसे दे के वहां पे आबाद करवाया जाता है। सो कल्चर को अपने और सकाफत को अपनी जो सेव करना है और उसको प्रिजर्व करने के लिए एक एफर्ट लगती है और एक कलेक्टिव एफर्ट लगती है। कोई भी चीज़ हम उसी वक्त करेंगे जब हमें किसी चीज़ से मोहब्बत होती है। अगर आपको आपकी सकाफत से मोहब्बत है, अगर आपको लगता है कि ये वही चीज़ है जो हमारी अफकार से मैच करती है, हमारा अदब हमारे सामने होना, हमारे हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे बच्चों के सामने भी होना चाहिए, हमारे ग्रासरूट लेवल से शुरू होगा, बहुत छोटे लेवल से शुरू करना होगा। इवन हम इसको आके बड़े होके बच्चों को यही नहीं ट्रेन कर सकते कि अच्छा ये आपका कल्चर है। एग्जैक्टली, आप उनको बहुत शुरू से अगर ट्रेन, वो आपको देखेंगे, अगर आपको देखेंगे वो सारी चीज़ें ओन करते हुए, आपको उनकी इज्जत करते हुए छुट्टियों में, जैसे अगर आप इस्लामाबाद में हमारा लोक विरसा हमारे कल्चर का जो वो चीज़ें हैं, आप उन छुट्टियों में ज़रूर कोशिश करें, चाहे आप अपने ही शहर के किसी कोने से बच्चों को मुतारिफ करवाइए, लेकिन आप जहाँ भी जब भी कोई छुट्टी होती है सो आप बच्चों को लेके जाइए उन जगहों पे लेके जाइए उन चीज़ों, और फिर उनकी अरमिला कहानियाँ सुनाइए, फिर उन कहानियों को और उनकी उनमें जो बसे किरदार है उनको अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा रूटीन में, अच्छा आपको याद है वो कायदे आज़म के बारे में, अच्छा आपको याद है वो जो एक बीबी थी जिनके बारे में हमने सुना था, उसको हमने ये खुद पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कैसे बताएंगे जब आपको खुद ही नहीं? पहली बात तो यहीं पर मैंने आपको पहले ही जुमला ये कह दिया था, पहले खुद ओन कीजिए, खुद समझिए कि आपके कल्चर की डेप्थ क्या है, आपके कल्चर का आपकी सकाफत की एक्चुअली बेस क्या है, बुनियादें क्या है, आपके मुल्क की बुनियादें क्या है। इसके लिए आपको रीडिंग वाली हैबिट जो है वो बहुत जरूरी है, वो इतनी ज्यादा लैक करती है। इवन मैं खुद भी इतनी चोर हूं बुक्स पढ़ने की, मतलब होता है मुझे शौक है कि मैं शायद कोई बुक पढ़ूं या कुछ, लेकिन आपको समटाइम्स वो चीजें उस तरह से नहीं, आपको एक माहौल होता है ना बुक रीडिंग के लिए। अच्छा अरमिला सॉरी, मैं बिल्कुल माहौल नहीं चाहिए होता। अच्छा, मुझे बुक रीडिंग के प्रॉपर माहौल चाहिए, मुझे जरा खामोशी चाहिए, मुझे समझ आए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। पता है फिर भी वाली बात है, इन चीज़ों को एम्बेड करने के लिए कोई माहौल नहीं चाहिए होता। जिन लोगों ने जिन सकाफतों में रीडिंग की आदत है ना, वो बस का इंतजार करते हुए, लोगों ने गाड़ियों में क्योंकि आपने ट्रैफिक जैम में फंसना है, आप उसमें किताब अपने पास रख सकते हैं। अच्छा मजे की चीज़ ये है कि कभी कभी हमें पता, हम खुद एज एडल्ट पुख्ता आदतें हो चुकी होती है हमारी, और हम वो पता होता है कि अच्छी नहीं भी है लेकिन वो पुख्ता हो चुकी होती है, लेकिन हम अपने बच्चों में नहीं जा रहे होते कि वो आदतें वो आए उसके लिए आपको कभी कभी वो एक जुमला जिसको आप कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, आपको कभी कभी थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप जैसे रीडिंग की हैबिट की बात करिए तो आपको वो किताब चाहे नहीं भी पढ़नी है तो आप थोड़ी सी पढ़ने बच्चों के सामने खोलें और उनको बताएं और वो अपने पास रखें कि उनको पता चले कि रीडिंग क्या है। और यस, आपने बिल्कुल सही, खुद पता करने के लिए रीडिंग इज दी बेस्ट थिंग। किताबें पढ़िए, पाकिस्तान और सकाफत पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ खावर अयूब साहब होते हैं, वो बड़े जबरदस्त किस्म के, उनके वो पूरी एक कह लें ना इंडस्ट्री है, पढ़ाई पूरी एक स्कूल है, और जब उनके पास बैठो वो फौरन से कहते हैं बुक रीडिंग करनी है, और फौरन से आप शर्मिंदा होकर बैठ जाते हैं, अच्छा ठीक है हम बहुत कम आ देते हैं। तो जबरदस्त जनाब, आज हमने कल्चर के बारे में डिस्कशन की, थैंक यू सो मच मारवी, बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको बताया कि आपने अपने कल्चर को प्रिजर्व कैसे करना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी एफर्ट चाहिए, इंडिविजुअल भी और एक कह लें कम्युनिटी एफर्ट भी जरूरी है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको मजीद भी मेहमानों से मिलवाएंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।